नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत कॉमन हो गए हैं, इसलिए हम सबके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे हार्ट बर्न या एसिडिटी के सिम्टम्स हार्ट अटैक से अलग कैसे हैं, नॉर्मल मस्कुलर पेन को हम हार्ट अटैक के पेन या चेस्ट पेन से डिफर कैसे कर सकते हैं, या फॉल्स हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, और क्या गैसेस भी एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक के पीछे, और दूसरा, यदि कोई इन्वेस्टिगेशन हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकता है, चेस्ट की हैवीनेस को कितना सीरियसली लेना चाहिए, और नॉर्मल चेस्ट पेन और हार्ट अटैक के पेन में क्या डिफरेंस है, ब्लड टेस्ट में हार्ट प्रॉब्लम शो हो जाती है क्या, और हार्ट प्रॉब्लम के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए। इस तरह के सवाल मन में उठते रहते हैं। नॉर्मल लाइफ में यदि किसी भी कारण से पेशेंट के सीने या छाती में दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, उसकी सांस फूल रही है चलने में, या उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे थकान हो रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, तो इन सारे सिम्टम्स को हार्ट अटैक के सिम्टम्स मान लिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स बॉडी के दूसरी बीमारियों के सिम्टम्स से अलग कैसे हैं, और हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स हार्ट बर्न या एसिडिटी के सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, और पेशेंट समझ नहीं पाता है कि ये सिम्टम्स एसिडिटी के हैं या हार्ट अटैक के हैं, और वो राइट टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, इससे कारण कंडीशन सीवियर हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट बर्न के सिम्टम्स और हार्ट अटैक के सिम्टम में क्या डिफरेंस हो सकता है। हार्ट बर्न के केस में पेशेंट को एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसको फूड पाइप में और स्टमक में एसिड मूव करता हुआ फील होता है, इसलिए उसके चेस्ट में पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, लेकिन ये पेन और डिस्कम्फर्ट उसको ओनली चेस्ट रीजन में ही फील होता है। हार्ट अटैक में पेशेंट को पेन तो होता है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अलग होता है। एक तो पेन बहुत सडन होगा, क्रशिंग इन सेंसेशन होगा, और पेन स्प्रेड भी करेगा, जैसे कि जॉ में, शोल्डर में, बैक में, अपर चेस्ट में, इस तरह से। हार्ट बर्न में पेशेंट को छाती में जलन होती है, और यह जलन खाना खाने के बाद या लेटने के बाद बढ़ जाती है। हार्ट अटैक में भी पेशेंट को जलन होती है, लेकिन अकेला जलन ही एक सिम्टम नहीं है, साथ साथ पेशेंट को पेन जरूर मिलेगा। हार्ट बर्न या एसिडिटी में पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो एक्स्ट्रा एसिड है उसके मुंह में आ रहा है, रीगर्जिटेट कर रहा है, लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा सिम्टम नहीं आता है। हार्ट अटैक में ये हो सकता है कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होती है, मतलब उसको उसकी सांस फूल जाती है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एसिडिटी के केस में पेशेंट को स्टमक की फुलनेस फील होती है, उसको डकारें आती हैं, और उसको अपना जो पेट है बहुत ब्लॉटेड और फूला फूला फील होता है। लेकिन हार्ट अटैक के केस में पेशेंट को बहुत ठंडा पसीना आता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, और उसको बहुत डिजीनेस फील होती है। एसिडिटी का मेन कारण ये होता है कि पेशेंट की पुअर ईटिंग हैबिट्स होती हैं, वो खाना खाने में बहुत गेप रखता है, या वो बहुत टाइम तक खाली पेट रहता है, या ओवर ईट कर लेता है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसे एसिडिटी हो सकती है। बट हार्ट अटैक के केस में पेशेंट को हाई बीपी मिलेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, डायबिटीज़ मिल सकता है, उसको स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री मिल सकती है। इसमें एज का भी एक फैक्टर होता है, मेल में 45 प्लस लोगों में और फीमेल में 55 प्लस लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी एक बड़ा कारण है, यदि फैमिली में पहले किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आए हैं तो पेशेंट को भी आ सकते हैं, और जो पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं। एसिडिटी के अलावा ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें सिम्टम्स हार्ट अटैक के सिम्टम जैसे आते हैं और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, जैसे एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस। इसमें होता क्या है, पेशेंट की गॉल ब्लैडर में या पित्त की थैली में सूजन आ जाती है। कारण कुछ भी हो सकता है, या तो गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है उसके कारण वहाँ सूजन आ रही है, उसके कारण पेशेंट को उस हिस्से में पेन होने लगता है, और ये पेन मेनली लोकलाइज होगा राइट साइड पर और सेंट्रल ऑफ द चेस्ट में, और ये पेन भी बहुत ज़्यादा सडन होता है। इसमें चेस्ट में पेन होने के कारण पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहीं हार्ट अटैक का सिम्टम तो नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि इसमें पेशेंट का पेन राइट साइड पे ज़्यादा होता है, सेंट्रल और राइट साइड पे होता है,
और ये आफ्टर मील ये कंप्लेंट ज़्यादा देखी गई है। मस्कुलर पेन, जब पेशेंट को किसी चोट लगने के कारण या सूजन आने के कारण या लंग की किसी प्रॉब्लम होने के कारण पेशेंट की चेस्ट की मसल्स में पेन होने लगता है और सिम्टम्स वही सारे आते हैं हार्ट अटैक के, तो पेशेंट को लगता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। इन दोनों तरह के पेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जब पेशेंट को लंग प्रॉब्लम के कारण या किसी चोट के कारण या फिर उसको किसी इन्फ्लेमेशन के चलते दर्द हो रहा है तो उसकी हिस्ट्री मिलेगी। और एक चीज़ और है, जब पेशेंट को इंजरी के कारण दर्द होता है तो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, इवन उसको छींकने खांसने में भी दर्द महसूस होता है। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के केस में भी पेशेंट को हार्ट अटैक लाइक सिम्टम्स आते हैं। इसमें होता क्या है, पेशेंट को एंग्जाइटी होने पर उसको कार्टिसोल और एडलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ता है, उसका बीपी हाई हो जाता है और उसके कारण उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है, गला फंसा फंसा सा लगता है, उसको ठंडा पसीना आने लगता है और उसकी चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, और ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के सिम्टम्स से मैच करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिफरेंट बीमारियों के रिस्क फैक्टर और सिम्टम्स की बात की जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स से मैच करते हैं। बट यदि पेशेंट की फिजिकल, क्लिनिकल और फैमिली हिस्ट्री पता होती है तो हार्ट अटैक के इलाज में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए ट्राई करें कि अपने क्लिनिकल डॉक्यूमेंट, अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर बहुत अप्रोचेबल जगह पर रखें। और कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, जाँचें हैं, जिनको करवा कर हम इन बीमारियों के अंतर को बहुत हद तक समझ सकते हैं। जैसे एसिडिटी के केस में अपर जीआई एंडोस्कोपी, इसमें फूड पाइप और स्टमक को एग्जामिन करते हैं। नंबर 2, बेरियम सैलो टेस्ट, इसमें बेरियम का लिक्विड पी के एक्सरे किया जाता है, जिसमें कि फूड पाइप, स्टमक और अपर एब्डोमेन का एक्सरे लिया जाता है। इसमें नंबर 3 पर टेस्ट आता है ECG, यह वह पहला टेस्ट है जो हम हार्ट अटैक की कंडीशन में करवाते हैं। ये एसिडिटी और हार्ट अटैक के केस दोनों में हेल्पफुल है और इसमें पेशेंट के पुराने हार्ट अटैक का एविडेंस मिल जाएगा और करेंट कंडीशन भी मालूम पड़ जाती है और यह भी पता चल जाता है कि हार्ट का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है और कितना डैमेज हुआ है। जब पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आते हैं तो उस दौरान हार्ट डैमेज होता है और इसमें कुछ हार्ट प्रोटीन रिलीज होते हैं, उन्हें हम कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं। तो इन कार्डियक मार्कर्स की भी हम जाँच करवा सकते हैं लैब में। इकोकार्डियोग्राम, यह एक अल्ट्रासाउंड जांच है, इसमें पेशेंट की हार्ट की पिक्चर बन जाती है और पता चल जाता है कि पेशेंट के हार्ट में, वॉल में, चेंबर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंजियोग्राफी, इसमें लॉन्ग थिन ट्यूब को थाइस की किसी आर्टरी से हार्ट की तरफ डालते हैं, जिससे कि हार्ट और ब्लड वेसल्स की बहुत ही क्लियर कंडीशन दिख जाती है। इसमें हम कार्डियक सिटी भी करवा सकते हैं और MRI भी करवा सकते हैं। यहाँ पर अब मैं कुछ प्रिकॉशंस की बात करूँगी जिनको करके आप बहुत हद तक समझ सकते हैं कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट फेलियर जैसे, ये किस प्रॉब्लम से ओरिजिनेटेड हैं। पेशेंट को डीप ब्रीथ लेना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जब मेंटल और फिजिकली थोड़ा सा वो काम होगा तो वो सोच पाएगा कि उसका पेन कहाँ से ओरिजिनेट होके आ रहा है। इसमें पेशेंट को क्लिनिकल हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक के केस में हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। पेशेंट के आसपास बहुत भीड़ ना लगाएं, पेशेंट को वेंटिलेटेड रूम में रखें। एज सून एज विजिट द डॉक्टर यदि आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इफेक्टिव लगा है और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स और दूसरी बीमारियों के सिम्टम्स में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।